हाय फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये मदरसा शिक्षा को लेकर के है कि मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के लिए जारी की है एडवाइजरी। एक्चुअली यहाँ पे मदरसा शिक्षा परिषद से यहाँ पे तात्पर्य है यूपी से, उत्तर प्रदेश में योगी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने मदरसा शिक्षा परिषद को जो है एक एडवाइजरी जारी की थी और मदरसा शिक्षा परिषद ने फिर मदरसों के लिए वो जो एडवाइजरी है उसको जारी की। तो चलिए इस वीडियो हम देखते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है। उसके पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय आप जरूर कमेंट्स करिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या क्या मैटर क्या है। तो चलिए पहले सबसे पहले वो एडवाइजरी देख लेते हैं, जो नोटिफिकेशन आया उसको देख लेते हैं वो क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रेषक है वो रजिस्ट्रार निरीक्षक है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, ठीक है ना, जवाहर भवन लखनऊ में है, सेवा में समस्त उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश और समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। 7 अगस्त को एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है कि विगत वर्ष की भांति राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में, यानी कि पहले जिस तरह से पिछले साल 15 अगस्त मनाया गया था मदरसा में, उसी तरह से इस साल भी मनाने के संबंध में अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ओके। एक्चुअली क्या था कि जब यहाँ पे यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, उसके पहले मदरसों में बहुत जगह आज भी ऐसा है कि लोग वहाँ पे जो है तिरंगा नहीं फहराते हैं, वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे वो 26 जनवरी हो। इसलिए एडवाइजरी यहाँ पे जो है वो जारी की गई है। इसमें लिखा गया है कि महोदय, प्रदेश में स्थित समस्त मदरसों में विगत वर्ष की भांत राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाए। यहाँ पे 8 बजे जो है वो बताया गया है कि 8 बजे जो है वहाँ पे झंडारोहण एवं राष्ट्रगान किया जाए और 8:10 पर जो है स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देना, स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला जाए, मदरसों के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीतों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि तथा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के संबंध में जानकारी देना, मदरसों के छात्रों द्वारा मदरसा परिसर में वृक्षारोपण करना और राष्ट्रीय एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और मिष्ठान वितरण भी किया जाए। तो अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंडल जनपद में स्थित समस्त मदरसों को स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कराए जाने के निर्देश देने का कष्ट करें और उत्कृष्ट श्रेणी के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित भी किया जाए तथा उनका विवरण बोर्ड को 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे जो ये भवदी जो है SN पांडे रजिस्ट्रार जो है निरीक्षक है उनका है। तो देखिए इसलिए एक्चुअली किया जा रहा है, जैसे मैंने भी कहा कि मदरसा में बहुत कम होता था, सेलिब्रेशन भी नहीं होता था मदरसों में, ठीक है ना, साथ ही साथ में फ्लैग भी नहीं फहराए जाते थे, नेशनल एंथम भी नहीं होता था, उसके लिए यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ में होता क्या है कि लोगों को, बच्चों को नॉलेज भी नहीं मिलता था कि किसके लिए इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ये कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए, आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि आज़ादी के जश्न में ही हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताना, बच्चों को बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है और इस राष्ट्रीय पर्व में हर एक भारतीय का जोश काफ़ी ज़्यादा होता है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी और इस दिन सभी भारतीय अपने तहे दिल से उसको सत सत नमन करता है और स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के अलग अलग जगहों पर झंडा फहराए जाते हैं और जो लोग देश के तिरंगे को सलामी देकर उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, तमाम सरकारी कार्यालयों के साथ ही देश भर के स्कूल कॉलेजों प्राइवेट संस्थानों में भी इस राष्ट्रीय त्यौहार को हर
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे इनका आयोजन ये नहीं किया जाता है। तो इसी पर्व को और भी अच्छे से मनाने के लिए उत्तर प्रदेश की मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के लिए एडवाइजरी जारी किया है और आखिर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वतंत्रता दिवस क्या नया बताएं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कैसे अधिक जानकारी दें, इसके लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।